दोस्तों एक कमेंट आया है CSE ID को लेकर, और ये कमेंट किया है विकी ऑनलाइन सेंटर ने। ये लिखते हैं, मेरे से भी 2000 रुपये लेकर मेरी ID अप्रूव किया है। मतलब कि इन्होंने भी 2000 रुपये दिए, उसके बाद इनके ID को अप्रूव किया गया। तो कोई बात नहीं, इनका काम तो चालू हो गया, वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये लिखते हैं, सर मेरा ये सवाल है कि CSE ID में जितनी भी ज़रूरी सर्विस है उनको एक्टिवेट कैसे करें या करवाएं। देखिए दोस्तों, जितनी भी सर्विस हैं वो आपकी एक्टिव हो जाएंगी, आपको DM से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इनकी कैसे 2000 रुपये लेकर इनकी ID को अप्रूव किया गया है, अगर इन्होंने DM को पैसे दिए हैं या फिर NIC के ऑफिस में जाकर ही पैसे दिए हैं, तो उस केस में इनको सारी सर्विस मिल जाएंगी। और दोस्तों कुछ सर्विस ऐसी होती है जो टाइम के बाद शुरू होती है, जैसे कि जब आपकी ID को 6 महीने हो जाएंगे या 1 साल हो जाएगा उसके बाद आपको दूसरी सर्विस मिलेगी, ऐसा कुछ होता है सर्विसों में, ठीक है। कुछ सर्विस में एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, उसकी सर्विस के लिए आपका एग्ज़ाम होता है। तो हर सर्विस का हर अलग अलग हिसाब किताब है, पर मोस्टली सर्विस आपकी स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगी। और पैन कार्ड वगैरह और वोटर कार्ड की सर्विस आपको DM से बात करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अलॉट की जाएंगी, ठीक है। आधार कार्ड के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसके अलावा कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो पसंद आते लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।